हेलो गाइस, काजुलाल ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ताड़ी उतारा जाता है और यहाँ पे पीने वालों का तादाद लगा रहता है। और गाइस ये सबसे फेमस जगह है जहाँ पर ताड़ी भरपूर मात्रा में मिलता है, यह है सलारपुर, जहाँ पर मैं पहले गर्मी में भी काम करता था और जस्ट इसी बगल में ही। और आज इस गर्मी में मुझे यहाँ काम करने को मिला और इसी जगह इसी ताड़ के पेड़ के पास मैं यहाँ पे मसाला भी बनाया करता था और आज इसी जगह इसी ताड़ के पेड़ के पास फिर से काम लगा। तो आइए गए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं आपको ताड़ का पेड़ दिखाते हैं और यहाँ पे कितना ज़्यादा ताड़ी बिकता है और कहाँ कहाँ पर लोग ताड़ी पीते हैं और सबसे ज़्यादा ताड़ी कहाँ पर लोग पीते हैं सुबह और शाम को, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। हालांकि मैं भी एक दिन गया था जिससे पीने के बाद तो मुझे उल्टी जैसा आने लगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मुझे सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया और कान पकड़ लिया कि मुझे अब ताड़ी नहीं पीना है, क्योंकि गाइस मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता और मुझे लगा कि ताड़ी पीने से और ज़्यादा गर्मी मुझे लग रहा है। आइए गाइस आपको दिखाते हैं कि कैसा है ताड़ी का पेड़ और कितना ज़्यादा इसमें हांडी बांधा गया है और किस तरीके से बांधा गया है। आइए गाइस दिखाते हैं आपको। गाइस देख सकते हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये है ताड़ी का पेड़ और इसे झाड़ पर लोग अभी दोपहर में चढ़े हुए थे देखने के लिए कि हांडी भर चुकी है कि नहीं। देख रहे हैं गाइस, कम से कम इसमें 4-5 से 6 हांडी तकरीबन बांधा गया है और 6 हांडी बांधने के बाद इसे सुबह में चेक करेंगे, फिर दोपहर में चेक करेंगे, फिर शाम को चेक करेंगे और जब भर जाता है तो इसे तोड़ करके काट करके उतार करके लेकर चले आएँगे और बेच देंगे। देख रहे हैं गाइस कितने अच्छे तरीके से हांडी को बांधा गया है। और यही नहीं, यहाँ पे तमाम ताड़ी का पौधा है, पेड़ है। ये देखिए आप वो सामने वाला पेड़ देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसमें भी हांडी बांधा हुआ दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं गाइस, ये देखिए, देख रहे हैं किस तरीके से हांडी बांधा गया है, काफ़ी कमाल तरीके से हांडी बांधा गया है। और इसमें भी देखिए हांडी बांधा गया है, दोनों पेड़ में हांडी बांधा गया है। देख रहे हैं गाइस, दोनों पेड़ में हांडी बांधने के बाद और जब शाम हो जाता है तो इसी आम के बगीचे में लोग पीने के लिए आते हैं। देख सकते हैं गाइस, देख रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद यहाँ पे लोग ताड़ी पिया करते हैं। देख रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छा छाया है। आइए गाइस आपको आगे हम दिखाते हैं जहाँ पे और ज़्यादा ताड़ी का पेड़ है। अभी हम थोड़ा नीचे चलेंगे क्योंकि नीचे से काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई देता है और जहाँ बगीचे में लोग ताड़ी पीते हैं वहाँ का नज़ारा बिल्कुल क्लीन दिखता है, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएंगे। ये हम आ चुके हैं सीढ़ी के चौकी पर और ये देखिए, देख रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भी किस तरीके से हांडी बांधा गया है, जिस तरीके से उसमें बांधा गया था और ठीक उसी प्रकार इसमें बांधा गया है। देखिए गाइस, देख रहे हैं, इसमें भी हांडी बांधा गया है, काफ़ी कमाल तरीके से हांडी बांधा गया है। और हांडी बांधने के बाद लोग उतर आते हैं, शाम को जाते हैं, अच्छे तरीके से उसे उतारते हैं क्योंकि धूप में काफ़ी ज़्यादा चूता है हांडी, हांडी में ताड़ चूता है, जिससे कि शाम तक वो भर जाता है। भरने के बाद लोग इसी जगह पे आकर के बेच देते हैं और बेचने के बाद लोग पैसे लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पे लोग बैठकर पीते हैं। देख रहे हैं गाइस, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पेड़ के बीच में से देखेंगे तो आपको लबनी दिखाई देगा हांडी, जिसमें लोग ताड़ी बेचा करते हैं। देख रहे हैं गाइस, पेड़ के बीच में से देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है हांडी, दिखाई देगा आपको, दिखाई दे रहा है हांडी, और यहाँ लोग बैठे भी हुए हैं। देख रहे हैं गाइस, सोए हुए हैं, और जहाँ पे आप देख रहे हैं समरसेबुल का पाइप है, ने मैट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा रहता है। और गैस मैं आपको बता दूँ, हम लोग कल गए थे उसी जगह पे ताड़ी पीने के लिए, लेकिन पीने के बाद मुझे गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगा, जिसकी वजह से मैंने कान पकड़ लिया कि अब नहीं पीना है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छाया रहता है और हम लोगों का गाड़ी भी देख सकते हैं गैस, यहाँ सामने पेड़ के पास खड़ा है, ये मिस्त्री का गाड़ी है। देख रहे हैं गैस, आप लोगों ने देखा कि यह है सलारपुर, जो कि ताड़ के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं ताड़ी पीने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जहाँ पे ताड़ी का व्यापार काफ़ी ज़्यादा हो वहाँ पे ताड़ी आपको अच्छा भी मिलता है, ख़राब भी मिलता है, लेकिन
जो ज़्यादा पीता है वो अच्छे ताड़ी की पहचान बहुत अच्छे से जानता है, और जो नहीं पीता उसे क्या पता कि कौन सा ताड़ी अच्छा होता है कौन सा ताड़ी अच्छा नहीं होता। तो गाइस मैं तो यहाँ पे बहुत सालों से देख रहा हूँ कि बिकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने जब पिया था तो मुझे उल्टी हो गया था, और जिससे मुझे लगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर उल्टी होता तो आपके सेहत का जो शरीर के अंदर का जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता। तो गाइस फर्स्ट टाइम मेरे जब पिया था तो उल्टी हो गया था, और सेकेंड टाइम में मुझे पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगा। जो सेकेंड टाइम में पिया था यानी कि कल, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 3 से 4 साल बाद मैंने पिया था, और पीने के बाद मुझे अभी भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है और पसीने से एकदम परेशान हूँ। आज सुबह से लेकर पसीने से परेशान हूँ, और तभी से मैं सोच रहा हूँ कि अब कान पकड़ते हैं, नहीं पियेंगे ताड़ी, क्योंकि ताड़ी से मैं एकदम बिल्कुल परेशान हो गया, और मुझे लगता है कि ताड़ी पीने से ही मुझे घर ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, इस मुझे लगता है मारी गाँव है, और मैं चल रहा हूँ काम करने के लिए, क्योंकि एक नई जगह है, और नई जगह काम करना आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ का मालिक जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों को आराम नहीं करने देते हैं, हमेशा काम 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 काम, जिससे कि मैं परेशान हो जाता हूँ। हालांकि मैं छोड़ना भी चाहा, बट अगर छोड़ेंगे भी तो बैठना पड़ेगा, और जिससे कि घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो गाइस मजबूरी में करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। फाइनली बाय बाय।